एक तो शब्द आया था ततूरी, बुंदेलखंड के हमें भी कुछ कुछ आउट है ततूरी। तपता उर्वी ततूरी, जब धरती तप जाती है उसका नाम ततूरी होती है। लू लगने लग जाती है, चलने लग जाती है। आप लोग बुंदेलखंड तो वहां रहे, वहां था ये, इधर क्यों आ गया आप लोग? अच्छा, अब देखो हम गए थे पहले बार मुनावरा, ये मदनपुर वगैरह हो करके वहीं पर। आज छोटे छोटे थे, अभी कहाँ बड़े हो गए। बहुत अच्छा। तो वहाँ लू चल रही थी उस समय, और जा करके देखा सुबह जो है, कहाँ से मदनपुर से चले थे हम, हसेरा हसेरा है? हाँ, वर्णी जी के। हाँ, तो उधर से चले थे रजवास में आर वगैरह करके, इधर से यूं चले थे। तो गर्मियों का समय था, महावीर जयंती सामने थी, लू चलने लगी थी। गए आर वगैरह हुआ तो देखा, जब चारों तरफ से मुनावरा में मंदिर ही मंदिर दिखे, और उनकी जो शिखर के जो है नमूने है ना, वो एक एक साल में कोई पंचकल्याण कर ले, शिखर थोड़ी सी लंबी चौड़ी बना दे, दूसरे और खड़ा होगा वो, दूसरे उससे भी ज्यादा शिखर भी। इस प्रकार वहां पर शिखर ही शिखर दिख रहे थे, ऊंचे ऊंचे। पूछताछ किया, महाराज अभी इतनी नहीं है, अभी मूर्तियां बहुत सारी आई हैं, लेटी हैं, लेट लिटाए गई हूँ, तो अब आपको ही जेल में उठाना है। ये इसके उपरांत हम टीकमगढ़ चले गए, वहां पर भी संभव है कि उन लोगों का, इन दोनों का स्पर्धा चलता है, नहीं समझे? हाँ, स्पर्धा, स्पर्धा समझते हो? हाँ, तो बुंदेलखंड में धार्मिक संस्कार स्वाभाविक हैं, और इन लोगों की दुकान कैसी चलती है पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी तो बहुत चली अच्छी। ये थैले भर भर करके तो लाते ही ना, ये तो दूसरे काम में आएगी, लेकिन हमारे लिए तो एक 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 चेतन को उठा दें तो खूब उठा दो, कोई दिक्कत नहीं है खूब। और इस प्रकार इस समय बुंदेलखंड में या मध्य प्रदेश में यूं समझो, धीरे धीरे राज्य के अंदर भी इसका प्रचार प्रसार होता जा रहा है। प्रतिमाशाली के माध्यम से छत्तीसगढ़ में सब शिक्षिका जितने प्राय करके वहीं की हैं, और संस्कार भी इसी प्रकार से फैलाते जा रहे हैं। चार पांच स्थानों पर यह शाखाएं उपशाखाएं फैल गई। सबसे ज्यादा छात्राएं
बुंदेलखंड की आती हैं, दूर दूर से आती हैं। आर्य का संघ भी इसके प्रचार में शायद थोड़ा सा लगे हुए हैं। और इस प्रकार संस्कार को जीवित रखने का कार्य बहुत अच्छे ढंग से ये लोग करते हैं। बुंदेलखंड वैसे उत्तर प्रदेश को भी संबंध रखता है, मध्य प्रदेश को तो रखता ही है, इधर मालवा वगैरह की ओर भी धीरे धीरे ये लोग फैलते जा रहे हैं और अपनी चीज ये नमूने के रूप में बुंदेलखंड में सब बुंदेलखंड की राशि सबसे ज़्यादा नेमावरी में आई। अभी आती ही जा रही है, तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं क्या बताओ? हाँ, ये तो भर भर करके आ रहे हैं। गत साल ही यहाँ पर नेमावरी के लिए आवश्यकता पड़ी तो वहाँ से आई, गुना से आई, सतना से दो तीन बार आ गई, ललितपुर से आ गई, नागपुर से दो तीन बार आ गई, और बुंदेलखंड के छोटे छोटे गांवों से भी खूब आ रही। अब कल नहीं परसों देखो, हाँ, सुर्खियों में सुर्खी, और आज मनावर आ गई। परसों तो है कौन, अभाना भी आज आ गई, खनिया लाना। इस प्रकार ये लोग विशेष रूप से महोत्सव विधान भी करते हैं, पंच कल्याणक भी करते हैं, तो अपव्यय न करके वो करते हैं और बचाने के उद्देश्य से ही करते हैं। तो बचा करके और कोई दुकान नहीं कर चलाते, किंतु अगले जीवन की यात्रा का भी ये लोग प्रबंध कर लेते हैं। हमारा इसमें निमित्त आशीर्वाद है, क्योंकि हम भी सोचते हैं इसमें तो एजेंसी अपने को भी मिलेगी। हाँ, कौन अपने अपने दुकान नहीं चलाना चाहे बताओ। हाँ, तो इस प्रकार ये लोग वहाँ बुंदेलखंड के एक एक गांव में ऐसे यहाँ पर शिखरवन मंदिर, छोटे हो बड़े हो, 24वीं में उनका योगदान रहा है। वो कौन है, झलोन है, और गौर झामर, हाँ, बीना बना, राजा बिरनेरा, हाँ, दुर्ग से आया, गंज मासोदा है, पटरिया है, ये इस प्रकार बहुत सारे जितने गांव हैं वो सारे सारे अपने अपने राशि को जितना है वो आज ही आए हैं। एक गत साल तो लाया था, थोड़ा सा विलम्ब हो गया होगा, कोरोना के कारण थोड़ा सा विलम्ब हो गया, किंतु वहाँ पर आने का वगैरह का चातुर्मास हुए हैं, ऐसे बात नहीं है। आप लोग आए नहीं थे ना रेल चढ़ाने के लिए, फिर भी हमने संग भेजा था। हाँ, और समय सागर जी को भी भेजा था। ये लाइन से गुना गुना के बाद जो है
आरोन आरोन से जो है मनावरा, मनावरा से फिर सतना, ये चार पांच स्थानों में हाँ और करोड़ों रुपए बिना कोई भी लोभ लालच। लेकिन सबसे ज्यादा लोभ लालच चीनी को है, क्योंकि ये कितने गुणित क्रम से इनको मिलने वाला है।